हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, पर क्या आपने मनी के साथ, धन के साथ अपने रिश्ते को कभी महत्व दिया है? जी हाँ, मैं मनी के बारे में ही बात कर रहा हूं। डू यू केयर फॉर इट? अगर नहीं तो ये समय है करेक्टिव एक्शन लेने का। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक, जिसमें आप खुद मनी से सुनेंगे, जी हाँ धन से सुनेंगे, कि यह आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। और मनी के साथ इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस टेक्निक को। अपने साथ एक पेन और नोटबुक रख लें, दो कुर्सियां लें, उन्हें आमने सामने रख दें। अब आप एक कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें सामने वाली चेयर पर धन बैठा हुआ है। इस धन के बैठने के तरीके को, इसके रंग को, इसके शेप को देखना शुरू करें। आप इस धन को धन के देवता के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं। देखना शुरू करें कि ये धन का देवता आपके सामने चेयर पर किस तरह से बैठा है। अब सोचना शुरू करें कि आपकी धन के साथ रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है। इसे 10 में से स्कोर दे। अगर ये स्कोर 9 out of 10 या 10 out of 10 है तो यह एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप आसानी से धन अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर ये स्कोर कम है तो आप धन के देवता से पूछें कि वो आपके पास उस तरह से क्यों नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। आप पूछें कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैंने इतना कुछ लर्न किया है तुम्हें पाने के लिए, पर फिर भी तुम नहीं आते हो, क्या कारण है? अब आप अपनी आंखें खोलें, खड़े हो जाएं और दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाए। अब अज्यूम करें कि आप मनी हैं। अब आप मनी की पोजीशन, यानी कि धन की पोजीशन ले रहे हैं। एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लें। धन के देवता के रूप में आप सामने बैठे हुए अपने आप को देखें और बताएं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो सामने वाली
कुर्सी पर बैठे इंसान के पास, यानी कि आपके पास। आप क्यों इस इंसान के पास अबंडेंस में नहीं आते हो, जिस तरह से आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हो? इस इंसान को उसके फायदे के लिए बताएं। इमेजिन करें कि आप उस इंसान की मदद करना चाहते हैं जो कि पहली कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब आप बताना शुरू करें। हो सकता है आप ये कहें कि जब भी मैं इस इंसान के पास आता हूं, इसे पता नहीं है कि मुझे कैसे हैंडल करें, या इस इंसान के पास मुझे ढंग से रखने के लिए जगह नहीं है। यह भी हो सकता है आप कहें, ये इंसान मुझे बेकार की चीजों में खर्च कर देता है। यह भी हो सकता है कि यह इंसान मेरी इंसल्ट करता रहता है। अपनी आंखें बंद रखते हुए जो भी कारण आपको मिलता है, आप उसे कहना शुरू करें। अब आप अपनी आंखें खोलें और लिखना शुरू करें अपनी नोटबुक पर कि मैं इस इंसान के पास नहीं आ रहा हूं क्योंकि, सारे पॉइंट्स लिख डालें यहां पर जो भी इस समय पर आपके माइंड में एक धन के देवता के रूप में आ रहे हैं। Keep on writing without thinking consciously. आप लिखते समय पेन नहीं उठाएंगे, लगातार लिखते जाएंगे जो भी आपके माइंड में आ रहा है। लिखते रहें कुछ समय तक। रियल इश्यूज को लिखें। कुछ और समय तक लिखते रहें। अब सिर्फ 10 सेकंड और इस इंसान को देखते हुए एक अल्टीमेट रीजन लिखें कि आप इसके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। अब आप अपनी पहली कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको धन से डांट मिली, या धन ने आपको कंप्लेंट की आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी थिंकिंग के बारे में? मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। सच्चाई तो यह है कि मनी के लिए हमारा अपना परसेप्शन ही पॉजिटिव नहीं है।
अब आप एक दूरी पर खड़े हो जाएं, जहां से आप इन दोनों चेयर्स को देख सकते हैं। अब आप एक न्यूट्रल पर्सन की भूमिका निभाएंगे। इस पोजीशन से आप दोनों यानी कि अपने आप को और मनी के देवता को देख रहे हैं। आप इन दोनों की कन्वर्सेशंस को सुन रहे हैं। इन्हें सुनते हुए आप पहली कुर्सी पर बैठे हुए इंसान यानी अपने आप को क्या सलाह देना चाहेंगे? एज ए न्यूट्रल पर्सन आप सलाह देना शुरू करें। आप अपने साथ वर्ल्ड के 5 रिचेस्ट पर्संस को भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ आपको हेल्प कर रहे हैं। पहली कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को सजेशन देने के लिए इन सारे सजेशंस को लिखना शुरू करें। अब आप फिर से पहली चेयर पर जा रहे हैं और वहां पर अपने आप के रूप में बैठ रहे हैं और इमेजिन करें कि आप इन सारे सजेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं इन सजेशंस को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि धन आपके पास अबंडेंस में आना शुरू करें। इस एक्सरसाइज को हर हफ्ते एक बार जरूर करें और सारे सजेशंस को इंप्लीमेंट करें। धन्यवाद।